जय डुग्गर, जय डोगरा। जम्मू कश्मीर का जो पॉपुलर गवर्नमेंट से इस समय गवर्नर रूल लगा है, उसके लिए हम कुछ कहना चाहेंगे। आप सारे जानते हैं कि हमने सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए अरसाना केस पे पूरी मेहनत से कम भी लाखों लोगों से और लाख और सैकड़ों रैलियां करने के बाद आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आखिरकार जो इन्होंने पीडीपी के सीएम महबूबा जी ने जो लिया वो गलत था, जिसका असर और तासुरात जो मिले आप सारे जानते हैं कि हमारा जो जम्मू का खित्ता वो शलनी शलनी कर दिया और इतने बच्चों की, बुजुर्गों की, नौजवानों की और जानवरों की खेत खलिहान का जितना लॉस, जितना नुकसान हुआ आप सोच भी हम नहीं सकते। और वो तबाही उसी के साथ जो मिलिटेंसी को ताकत मिली सीज फायर में, जो आपने देखा, वो जाके एक मीडिया के एक जर्नलिस्ट, जो कश्मीर का बड़ा इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट, जिसको मोटरसाइकिल पे आके मार दिया गया। हालांकि ये बात इतनी इनकी तरफ से इतनी सपोर्ट उन्होंने इनकी की, बाद में शायद इनके काम ना आ पाया तो क्या हुआ। और ये किसको बचाने के लिए, किसको संभालने के लिए ये सारा सीज फायर हुआ, यहाँ मिलिटेंसी इतनी घूम गई अंदर, गांव गांव गली गली में, जो अब हमारी आर्मी को, पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो हमारी यहाँ की सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इतना उनको डिस्टर्ब कर दिया, हौसले इतने पस्त हो गए इस सीज फायर में कि लगने लगा कि कहीं कोई किसी किस्म का रिवोल्ट ना करवा दें, उन देशभक्त उठ के खड़े ना हो जाएं, रिवोल्ट ना कर दें। इस किस्म के हालात भी इन्होंने पैदा किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्पेशली अमित शाह साहब का बहुत बहुत बड़ा वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, जिन्होंने ये सरकार तोड़ के अपॉर्चुनिस्टों से जान छुड़ाई लोगों की, मौके परस्तों से, और जो कॉमन लाइन पे, अपनी लाइन पे चल रहे थे और जम्मू के खित्ते के लोगों को बिल्कुल उनकी परवाह न किए हुए बगैर रिपोर्ट आगे चलते रहे।